हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र गौतम और आज आपके लिए लेकर आया अपना नया वीडियो। तो नए वीडियो की बात करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 19 अगस्त को 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और मुझे काफ़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और आगे भी इस प्यार को आगे बरकरार रखेंगे। तो बात करते हैं नए वीडियो के बारे में। तो नए वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 1v1 डिफेंडिंग टेक्निक। आपको 1v1 डिफेंड कैसे करना है तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताइए। आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पक्का बताया कि आप ये वीडियो को बहुत लाइक करेंगे। तो वीडियो को देखें, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफेंस करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्ट्राइकर को आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है बॉल के साथ में। जैसे ही वो बॉल रिसीव करे आपको उसके पास पहुँचना है जल्दी से जल्दी, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके। यहाँ पर रेड वाला डिफेंडर है और सामने वाला स्ट्राइकर, उसने जैसे ही बॉल रिसीव करी डिफेंडर स्ट्राइक की तरफ दौड़ा, बट यहाँ पे मैंने गलती की है। आपको स्ट्राइकर के पास जल्दी से जल्दी पहुँचना है, बट इस स्थिति में हुआ क्या कि स्ट्राइकर ने पहले ही बॉल रिसीव कर ली, वो संभल गया और मैं बहुत तेज़ दौड़ा और आसानी से बीट हो गया। अगर स्ट्राइकर आपके उसके पास पहुँचने से पहले ही बॉल कंट्रोल कर लेता है, उसको पर्याप्त टाइम मिल जाता है, तो आपको उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ लगानी है और 2-3 फुट पहले ही आपको अपने टोज पे आ जाना है और इस तरीके से झुक के एंगल बनाते हुए डिफेंड करनी है और पीछे जाना है और पेशेंस रखना है और उसको गलती करने देना है इस तरीके से। अगर क्या होगा कि स्ट्राइकर बॉल रिसीव कर लेता है और आप उसके पास पहुंच जाते हैं और स्ट्राइकर आपको अपने बैक पे लेता है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि उस पर झूल जाए, इस तरीके से डिफेंस बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आप एक तरफ आपका फोर्स होगा और वो आपको दूसरी तरफ कटा के ले जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल भी आपको झूलना नहीं है स्ट्राइकर की बैक पे, वो आपको पागल बना सकता है और दूसरी साइड कटिंग करके आसानी से ड्रिबल कर सकता है। अगर स्ट्राइकर बॉल रिसीव करता है और आपको अपने बैक पे लेता है तो आपको एक हाथ का डिस्टेंस रखना है और अनवांटेड लंज नहीं करना है और आपको उसको बस पीछे की ओर धकेलते रह जाना है अपने गोल से दूर। यहाँ पे मैंने एक हाथ का डिस्टेंस रखा हुआ है, आप इस तरीके से अपने हाथ को उसकी पीठ पे भी रख सकते हैं और इस तरीके से डिफेंस कर सकते हैं। आपको स्ट्राइकर के बॉल रिसीव करते ही उसकी तरफ तुरंत इसलिए दौड़ना है क्योंकि अगर उसका बैट टच हुआ तो बॉल आपके कंट्रोल में आ सकती है। आपको इस तरीके से सीधी पोजीशन में डिफेंस नहीं करनी है और बिना बात के पैर नहीं डालना है बॉल पे। आपको ऑलवेज स्ट्राइकर को गलती करने देना है और अनवांटेड लंज नहीं करना है, स्ट्राइकर को गलती करने देना है वरना आप बीट हो सकते हो। आपको हमेशा एंगल बनाते हुए और पंजों के ऊपर डिफेंस करना है, आपको पाँव चपटे नहीं रखने ज़मीन पर वरना आप नट में खा सकते हो आसानी से। यहाँ पर आपको इस तरीके से डिफेंस करना है एंगल बनाते हुए, साइड एंगल बनाया मैंने देखो और पीछे हट रहा हूँ और स्ट्राइकर को गलती करने देनी है आपको। आप जब भी बॉल पर टैकल करें तो बिल्कुल पावर के साथ करें, हल्का ना करें वरना डिफेंडर वापस बॉल ले लेगा। आप अपनी आर्म का यूज़ कर सकते हैं, अपनी भुजा उसके पेट पे लगा सकते हैं और उसको बॉल से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको एंगल पर डिफेंस करते हुए स्ट्राइकर को अपने गोल से दूर रखने की कोशिश करनी है और साइड लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपको अपने अन्य साथियों का सपोर्ट भी मिल सके टाइम पे। देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर भी मैं स्ट्राइकर को साइड लाइन की तरफ मूव करवाने की कोशिश करूँगा और एंगल में उसको स्पेस दूंगा बाहर की ओर। देखो मैंने एंगल में डिफेंस किया, उसको बाहर की तरफ स्पेस दिया। यहाँ पर आपको इस तरीके से दो गोल पोस्ट बनाने हैं छोटे, आपके पास कौन है तो उसका यूज़ करें वरना दो पत्थर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो। इस तरीके से इस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है। स्ट्राइकर को बॉल दी, उसकी तरफ भागे, एंगल बनाते हुए पीछे हटते हुए डिफेंस किया और टैकल करना है, ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। आप बैलेंस करने के लिए अपने आर्म्स को हल्का सा बाहर भी निकाल सकते हैं, इससे आपको अच्छा बैलेंस मिलेगा। आर्म को हल्का सा बाहर निकालें, बैलेंस में आसानी होगी। ऐसा बार बार नहीं होगा कि आप हमेशा ही बॉल जीतें, स्ट्राइकर भी बॉल जीतेगा 10%, तो आपको हताश नहीं होना है बिल्कुल। आपको बिल्कुल अपने टेक्निक पे फोकस करना है और इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं गोल खा चुका हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको हमेशा स्ट्राइकर के मूवमेंट पे नज़र नहीं रखनी है, आपको अपनी आईज ऑल द टाइम बॉल पे रखनी है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा स्ट्राइकर को गलती करने पे मजबूर करना है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है बिल्कुल भी। स्ट्राइकर को गलती करने देना है, उसको अपने गोल पोस्ट से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करनी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है,
अगर वीडियो पूरा लगा तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके क्या पूरा लगा वीडियो में, तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना रह जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, चीयर्स।